फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभर राज आपके सामने, राइडर 125। और इस देखिए, देखो भैया लेकर आए हैं इसे आगरा से, यूपी 86 आगरा से हैं। इनका इंट्रो लेंगे बाद में, पहले जो काम हुआ है उसके बारे में बता दें, काम क्या क्या इसके अंदर किया गया है। पहले इसमें लगा देंगे इसके अंदर देख सकते हैं विंगलेट, जिससे इसकी लुक काफ़ी एनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। और ये प्रॉपर फिटमेंट होती है, सिंपली एक स्क्रू से टाइट हो जाती है और ये कहीं भी नहीं जाती लगने के बाद। और इसके बाद इसमें लगा देंगे इसके 12 मीटर, देख सकते हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इसे लगाने से एक तो थोड़ी सी लुक इनहेंस हो, दूसरा ना इसमें व्यू भी ना अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हो, जहाँ मर्जी ये इस तरीके से चाहे इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये आपका पीछे का व्यू भी इसके अंदर नज़र आता है और लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है इसे लगाने के बाद। साथ में देख सकते हैं ब्रेक लाइट लगा दी गई आगे की तरफ, जब ब्रेक मारेंगे तो एक आगे पुलिस लाइट है जो कि भैया ने पहले आगरा से लगवा रखी है। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है लुक इनहेंस करने के लिए, और रात में वैसा गजब भी मज़ा आता हुआ इनको इसे चलाने में। और साथ में इसमें लगा देगा रिमोट सिस्टम सेंटर लॉक, जो कि देख सकते हो दो रिमोट होते हैं इसके अंदर, एक मिलता है आपको की वाला, दोनों की वाले वैसे तो एक नॉर्मल की एक फ्लिप की। फ्लिप की देख सकते हैं ये, आप चाहो तो अपनी इसी बाइक के अंदर बनवा सकते हैं, किसी भी चाबी वाले कोई भी चाबी वाले इसको बना देगा। और इसके बाद इसमें देखा फीचर्स में क्या क्या होने वाले हैं। इसमें देखिए ये है इसका लॉक का बटन, जिसे लॉक दबाने के बाद ना जब हैंडल घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि खाली इंडिकेटर चलते हैं, और दोबारा अगर करेंगे तो फिर इसके अंदर सायरन क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके से। और बंद करना तो वैसे तो अनलॉक करके बंद कर सकते हैं, और अगर ऐसे बंद नहीं करना तो इसमें 30 सेकंड का टाइम होता है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और उसके बाद ये आपको लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, ये आपका हो गया अलार्म का, जैसे खड़ी कहीं भी गाड़ी खड़ी करनी हो पार्किंग वगैरह के अंदर, पार्किंग में खड़ी करने के बाद क्या होता है, खड़ी तो करता है इस तरफ, पार्किंग वाले क्या होता है इधर से उठा कर ले जाते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर खड़ी कर देते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी आपकी कहाँ पर है। तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपली बटन दबाना है, ये पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, वहाँ से अपनी बाइक उठा सकते हो। और ये है डबल प्रेस स्टार्टिंग वाला, जिग जैग जो सही देख रहे हो, डबल प्रेस करेंगे तो देखिए आपकी राइडर होगी स्टार्ट। और ज़रूरी नहीं कि राइडर ही है, आपकी कोई भी बाइक कोई भी स्कूटी हो वो सारी इसके अंदर हो जाएंगी स्टार्ट। और इसे करते हैं हम ऑफ़, तो यहाँ से ऑफ हो जाती है, मतलब सारा फीचर जो सारे रिमोट के अंदर होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसे लगा दिया हमने, अब मैं आपको और दिखाता हूँ इसके अंदर। देखिए सबसे मेन होता है इसके अंदर क्रैश गार्ड, जितनी भी बाइक्स होती हैं ना अपनी, राइडर हो SP हो या कोई भी बड़ी छोटी कोई बाइक्स होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा नीड होती है क्रैश गार्ड की, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है ना तो आपका टैंक आपके TPFC ये डैमेज होने का खतरा होता है गिरने के बाद। और इसे लगाने के बाद समझ लो सब कुछ होता है, TPFC सेफ हो गया, टैंक सेफ हो गया, और आपके खुद के लैग्स हो गए सेफ। और इसकी होती है प्रॉपर फिटमेंट, देख सकते हैं आप प्रॉपर फिटिंग हमेशा दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं ये इसकी प्रॉपर फिटिंग है जो इधर होगी, एक फिटमेंट मिलती है आपको इधर और एक फिटमेंट मिलती है आपको आगे की तरफ, भी देखिए ये होती है इसकी प्रॉपर फिटमेंट। और जब इसकी प्रॉपर फिटमेंट की जो हैवी क्वालिटी होती है ना, उससे क्या होता है बेनिफिट मिलता है, वो देखिए इतना बेनिफिट है कि आपकी बाइक में कोई भी डैमेजेशन नहीं होने वाली है इसे लगाने के बाद। सेम इधर मिलेगा, सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो आप इसकी भी। और इधर आपको देखने मिलेगा इसका मोबाइल होल्डर जो कि लगा देगा इसके अंदर नॉर्मल वाला, कहीं भी राइड करने में काफ़ी ईजी होता है कि मोबाइल होल्ड करके कहीं पर भी GPS ऑन करके निकल सकते हो अपनी किसी बाइक के अंदर। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर हॉर्न, ये इसके अंदर हॉर्न है जो कि लगा दिए गए हैं मिंडा D70 के हॉर्न, जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसे लगाने से क्योंकि जो हॉर्न होते हैं ना आपके वो होते हैं काफ़ी छोटा सा सिंगल हॉर्न होता है, और समझ लो कि जैसे कि आप साइकिल वगैरह के अंदर चलाओ ना तो उस तरीके से, तो इसलिए हॉर्न डबल लगाने पे अब आपको खुद ईजी हो जाएगा राइड करना, क्योंकि आपको साइड जल्दी से मिल जाती है। और बैक साइड में दिखाऊंगा आप देख सकते हैं ये इसका सीट कवर है कुशनिंग विद कवर, जो कि आपको ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन दिया गया, ये भी इसके अंदर लगा दिया, काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि जब भैया दूर से जाएंगे भी तो जाने के बाद तो थोड़ा आरामदायक फील हो। और इधर आप देख सकते हैं ये लगा देगा प्रो टैपर की इसके अंदर गेयर शॉक्स, इसे लगाने से आपका शूज़ ख़राब नहीं होता कभी भी, क्योंकि क्या होता है गेयर डालते हैं ना ऊपर नीचे करते हैं तो आपका शूज़ हो जाता है ख़राब, यहाँ पर निशाना रबड़ का जो होता है ना इसका, वो रबड़ यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं आपके किसी भी शूज़ को। तो ये इसके अंदर लगा देगा, साथ में डिस्क लॉक ये भी लगा देगा, जिससे गाड़ी आपकी पूरी सेफ हो जाती है, कहीं भी आप जाते हो खड़ी करके तो इसको लगा दो, सेंटर लॉक तो आई है, साथ में ये भी इसके अंदर सेफ कर देता है आपकी बाइक को। और एक चीज़ और दिखाऊंगा चाहूँगा आपको मेरे हाथ में रिमोट, ये देखिए चाबी ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसकी एम्बियंस लाइट, क्योंकि एक इधर और एक इधर हो गया, चार लगा दी गई हैं, चार का सेट आता है आपके, और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, देख सकते हैं ये देखिए ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये आपका स्काई ब्लू होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे कलर्स हैं इसके अंदर, और पैटर्न्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे कलर चेंज हो रहे हैं इसके। और हम आप चाहो तो कोई ऐसा बटन दबा दो जिससे कि कलर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं बढ़ते घटते रहते हैं। ये म्यूज़िक वाला है, कोई बोलेगा या कोई भी साउंड होगा तो आप देख सकते हैं कलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज होते रहेंगे,
और अगर मैं शांत हो जाऊंगा तो ये भी शांत हो जाएंगे, देखना शांत, समझ गया आप। तो ये बात मानते हैं, ये भी इसके अंदर फीचर्स आपका दिया गया है। तो बैक साइड में बैक साइड में दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं ये इसका टायर, अगर प्रीमियम क्वालिटी का वो टायर, अगर वैसे नॉर्मली एज यूजुअल क्या होता है, देखो लोग ना इसे लगवाते हैं, इसको लगवाते हैं लोग, जो कि काफ़ी हल्का है, इसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आवाज़ ज़्यादा करता है और बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। तो ये था इसके अंदर जो कि हटा दिया गया है और इसके अंदर लगाया है आपका बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी टायर, अगर जो कि लुक चेकआउट कर लो, और इतना हैवी है कि क्लैंप वगैरह भी काफ़ी हैवी है, और ये होता है इम्पोर्टेड, और इसमें भी थर्ड क्वालिटी आती है जो कि लोग यूज़ करते हैं, बट हम लोग यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसकी तो मोटिवेशन कम्प्लीट, अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा और भैया कैसे आए हैं, आइए सर। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? और ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी वीडियो काफ़ी देखा यूट्यूब पे, वो देखे ही मैं आपके यहाँ आया, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ठीक भी लग रही है मेरी बाइक मेरे को। आए कहाँ से बता दो? आगरा से, सादाबाद पड़ता है, आगरा से 18 किलोमीटर आगे। देखा, तो अपनी स्कूटी अपनी बाइक को स्पेशली मॉडिफाई कराने लेके आए यहाँ पर भैया, तो हैंड्स ऑफ यू भैया कि आप इतनी दूर से चला कर लाते हैं बाइक को, और आप किसी भी चीज़ों को कमी तो नहीं लगी किस तरीके? नहीं भैया, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, प्राइसिंग वगैरह मिलके भी सब कुछ ठीक है, और बाइक भी करा के बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और आप लोग भी अगर आना चाहो, आप अपनी किसी भी बाइक को मॉडिफाई कराने, तो आप आ सकते हो दिल्ली करोल नाइवलैंड के अंदर, आपके अपने राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली करोल नाइवलैंड के अंदर, बैक साइड 36 नंबर के लिए है, और फ्रंट में देखने मिलेगा आपको आर एस माज रोड, ये आप देख लो ये आप। और दूसरी बात ये कि जब भी आप आते हो ना, हनुमान जी की मूर्ति, जो मैं बताता हूँ हर वीडियोज़ के अंदर, मेन हनुमान जी की मूर्ति मिलती है, जो कि आपको गोल चक्कर पर जनरल मेट्रो से अपोजिट वहाँ पर आ जाए आओगे तो उनके फेस को देख लेना, जहाँ उनका फेस जा रहा है समझ लो उनके फेस जो है हमारी शॉप से दिखता है, इट मीन्स वो हमें देख रहे हैं, तो आप उनके फेस के सामने से निकलेंगे तो समझ जाइए जैसे अंदर एंट्री मारेंगे मार्केट के लिए, तो मेन रोड पर ही हमारी शॉप मिल जाएगी अगले चौक पर, और दूसरे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी हमारी शॉप के बोर्ड पर, जो कि मिलेगी आपको राजभाई एसकेडी के नाम से। तो वीडियो करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मंत्री, गुड बाय।